किसी भी सुपरहिट मूवी की जो सीक्रेट रेसिपी होती है वो होता है उसका एक्शन, उसका ड्रामा, उसके सॉन्ग्स, उसमें लस्ट, उसमें रोमांस, उसमें स्पाइनेस, उसका थोड़ा सा पैट्रियोटिक फीलिंग और थोड़े कंट्रोवर्सी। ये सारी चीजें एक मूवी में आ जाए तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। लेकिन कई बार रियल लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो फिल्मों से ज्यादा ड्रामेटिक होते हैं, फिल्मों से ज्यादा स्कैंडलस होते हैं और फिल्मों से ज्यादा रोमांटिक होते हैं, और कई बार तो स्पाइनेस भी बहुत जमकर भरी होती है। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर की कहानी की, जो कि पूरी तरह से फिल्मी है, और फिल्मी नहीं बल्कि बहुत स्कैंडलस कंट्रोवर्शियल भी है। उनका जो अफेयर है सचिन मीणा के साथ वो क्रॉस बॉर्डर का हो चुका है, और लगता है टाइगर 3 वाली थीम पर सारी कहानी आगे चल रही है, और आगे चलकर टाइगर 4 सीमा हैदर के साथ अगर बनाई जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज सारा का सारा माजरा टाइगर स्टाइल में स्टार्ट हुआ है। और जिस तरह से टाइगर की स्टोरी है, यहाँ पर एक इंडियन स्पाई है, उसके अलावा एक पाकिस्तानी स्पाई है जिसका नाम है जोया, जो कैटरीना कैफ प्ले करती हैं, वो इंडिया में आती है और रोमांस के शिकार में आ जाती है इंडियन स्पाई के। बाद में क्या होता है आपने सारी मूवी में देखा है। हालांकि मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब पाकिस्तान से उनके खिलाफ सेना भेज दी जाती है और दोनों के दोनों भागकर कहीं छुप जाते हैं, यानी प्यार के लिए दो मुल्कों से दुश्मनी मोल लेते हैं। यहाँ भी कुछ कुछ वही तार दिखाई दे रहे हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची शहर में रहती है और सचिन मीणा ग्रेटर नोएडा यानी इंडिया में रहता है। दोनों का रोमांस पबजी के जरिए होता है, जबकि एकता टाइगर में एक डेलिकेट मीटिंग के जरिए होता है। मीटिंग के बाद दोनों का प्यार रोमांस आगे बढ़ता है जो दोनों मुल्कों को पसंद नहीं आता। यहाँ पर मुल्कों की जगह पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का नाम ले सकते हैं और उनके पति का नाम भी रख सकते हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात पबजी के जरिए ऑनलाइन हुई थी, फिर चैटिंग हुई, उसका पति है, 4 बच्चे, इसके बावजूद वो कराची से दुबई पहुंच गई, वहां से नेपाल पहुंच गई, पासपोर्ट भी चेंज हो गए, लैपटॉप भी आ गया, फोन भी तोड़ लिए गए, और पाकिस्तान का पूरा बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के जरिए इंडिया में घुसपैठ भी हो गई और किसी को मालूम नहीं पड़ा। थोड़ा थोड़ा आपको एक था टाइगर की स्पाई मूवी की याद आएगी, जहां पर एक्टर या करेक्टर इस तरह से कंट्री चेंज करते हैं जैसे पासपोर्ट वीजा उनके बाएं हाथ का खेल हो। यहां भी सीमा हैदर ने वही काम किया, हालांकि वहां पर जोया थोड़ी वीक थी और टाइगर का किरदार अमनाज सिंह का स्ट्रांग था, बट यहां पर हमारे सचिन मीणा थोड़ी वीक है और सीमा हैदर जो जोया बनी हुई है उनका किरदार बहुत बुलंद है, तभी उन पर स्पाई होने का आरोप भी लग रहे हैं। बिकॉज 5वीं पास होने के लिए बहुत ज्यादा हिंदू संस्कृति को जानना, कंप्यूटर लैपटॉप की जानकारी होना, इसके अलावा पूरी तरह से पबजी को खेलना, और मिडिल क्लास कराची में होने वाली औरत का पूरा फ्लैट बेचकर 4 बच्चों को आकर 2 मुल्कों की सरहद को बेवकूफ बनाना कहीं ना कहीं टाइगर वाली फील देता है। और जिस तरह फिल्मों में बहुत सारे ओवर द टॉप सीन होते हैं, थोड़ा सा हीरोइक मामला होता है, यहाँ पर भी है। हालांकि देखने वाली बात होगी पूछताछ के बाद जो यूपी पुलिस के कमिश्नर हैं, जो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले हैं, उनका कहना है कि फिलहाल इनके स्पाई होने के सूत्र तलाशे जा रहे हैं, बट जब तक एविडेंस नहीं मिलता ये हमारे इंडिया की बहू हैं, यानी पूरा इंडो पाकिस्तान दोनों की मैरिज में, दोनों के लफड़े में घुला हुआ है। और अब वही मामला हो गया जो टाइगर में होता था कि टाइगर मुल्क बड़ा है या प्यार। तो यहाँ पर सचिन मीणा और सीमा हैदर के लिए भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वो सच में अपने मुल्क को प्यार करते हैं या रोमांस के चलते दोनों मुल्कों को अंगूठा दिखा देंगे। अगर ऐसा होता है तो टाइगर 4 की स्क्रिप्ट रेडी है। वेलकम टू द फिल्मी क्लब। अब तो बस यशराज को अप्रोच करना है, और लगता है कैटरीना कैफ ने वैसे भी टाइगर फ्रेंचाइजी से रिटायरमेंट ले लिया है, तो सीमा हैदर ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं वो सलमान खान के साथ काम करना चाहती हैं, तो इससे बड़ा मौका क्या होगा। रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ हीरो, और हो गया टाइगर 4 का पूरा मामला तैयार।